कवर्धा जिले के कुंडा तहसील के 7 गांव के किसान भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। किसान गांव से होकर गुजर रही नहर में माइनर लाइन की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस दौरान इलाके के किसानों की मांग को जायज बताते हुए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ नेता ऋचा जोगी ने भी समर्थन दिया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि इनके गांव से नहर का पानी गुजरता है, बावजूद सूखे की मार झेल रहे हैं। वहीं मामले में सिंचाई विभाग के अधिकारी ने सर्वे कराकर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। मार मांग है हमारे गांव में पानी, नहर नाली के लिए मांग करा था हम, पूरा बाल बच्चा लेके यहाँ बैठे हैं ना, 8-10 साल हो गए मांग करा था, हमारे कोई प्रशासन सुने नहीं करे, ओखर लिए मांग करा था हम, अब पूरा परिवार लेके आए हैं, हमला पानी चाहिए, नहर नाली चाहिए, हमला यही मांग करा था। यहाँ पर एक नहर जाती है निंगापुर से सह मालगी होते हुए कोलियापुर जाती है, तो उसी नहर से हम माइनर लाइन की मांग करने के लिए इस आंदोलन में बैठे थे और मैं प्रशासन से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि इसको सिर्फ सर्वे मात्र ना रख के इसको जल्दी से जल्दी चालू करें, क्योंकि यहाँ पर 15-17 सालों से यहाँ पर लोग पानी के लिए पीड़ित हैं। बजट के लिए प्रावधान कर दिया जाएगा, बजट में आने के उपरांत इस कार्य को तकनीकी स्वीकृति और प्रशासन की स्वीकृति मिलने के उपरांत इस कार्य का निर्माण कार्य कराया जाएगा और इसके अंदर कुछ जमीनें भी आएंगी, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि मेड़ से ही इसको ले जाएं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जमीन आएगी, बगैर जमीन के तो कैनाल बनेगी नहीं, इसलिए उसका भी जो है बी लैंड का प्रोविजन रखेंगे जिससे किसानों को उसका मुआवजा प्राप्त होगा। विज्ञान